What is up people, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूडी विशाल और इसी के साथ आज हम नई वीडियो लेके आ रहे हैं। आज हम जा रहे हैं कुलचा खाने अमृतसरी जो तंदूर में बनता है। देखते हैं फरीदाबाद में सबसे बढ़िया कुलचा कहाँ मिलेगा हमको और वहीं चल के आपको भी दिखाएंगे कुलचा। बेसिकली अमृतसर में गया था तो मैंने वहाँ देखा था हर गली में एक दो दुकानें कुलचे की तो थी, बट फरीदाबाद में बहुत कम है अमृतसरी कुलचे वाले जो तंदूर में जो बनाते हैं। तो ढूंढते हैं और आपको भी बताएंगे बेस्ट कुलचा कहाँ मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में, लेट्स गो। एक बार मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। हमारी थी कुलचा किंग जो है उसके सामने ये ओमैक्स की बिल्डिंग है, आप देख रहे हो। इस साइड अगर हम देखेंगे अपनी राइट साइड में तो फरीदाबाद से आते हुए लोग हैं और उधर से आप देखेंगे तो दिल्ली से आते हुए लोग हैं और ठीक उसी के सामने है अपना कुलचा किंग और अंदर इनकी सिटिंग भी है, सिटिंग स्पेस भी है इनके पास। चलो चल के ही देखते हैं कुलचा है कैसा। आप भैया सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मनिंदर सिंह। और कितने साल हो गए इसको यहाँ पे कुलचा किंग को? 12 साल। 12 साल हो गए, बहुत बढ़िया। तो आप यहीं से हो, लोकल हो या कहीं बाहर से? अमृतसर से ही हो, तो बिल्कुल आपको पता होगा एकदम कैसे ऑथेंटिक डिश बनती है अमृतसर की। तो कुलचे कौन कौन से अवेलेबल है अपने यहाँ? आलू प्याज मिक्स, पनीर मसाला, प्याज गोभी, सारे जो मिलते हैं अमृतसर में सारे अवेलेबल है। और प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आलू प्याज 60, गोभी कुलचा 70, पनीर, ये पनीर वाला 90 का है, बाकी सब मीडियम रेंज में ही है। तो भाई ये हम है अपनी किचन और एक तो हम लगवा रहे हैं मसाला कुलचा और एक लगवा रहे हैं हम आलू प्याज कुलचा। तो भैया जो इसका आटा जो होता है इसमें कितनी, इसमें लेयर्स वगैरह भी बनाते हो? है तो कितनी लेयर वगैरह रहती है उसमें? 7 लेयर गिनती की होती है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे 2 प्लेटें मंगाई हैं, एक तो मसाला कुलचा की और एक है आलू प्याज की। मसाला वाले के ऊपर आप देखो मसाला अच्छे से दिख रहा है, मिर्च पुदीना और क्या है इसमें, जीरा अजवाइन काफी सारी चीजें हैं। तो बेसिकली मसाला मिला के इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये अपने चने हैं और साथ में ये रायता भी दिया है भैया ने। तो पहले हम एक बार मिक्स वाला ट्राई करते हैं। कुलचा तो काफी क्रिस्पी सा लग रहा है, थोड़ा सा बटर लगा। तो हमने पहली बाइट लेते हैं चने के साथ। कुलचा बहुत ही क्रिस्पी है, मजेदार है, जो मसाले हैं उसका अलग सा फ्लेवर आ रहा है मसाले वाला। अगर आप मसाला लवर हैं, ज्यादा मसाला खाते हैं, तो ये वाला कुलचा ट्राई करना बनता है। एक बार चने ट्राई कर लेते हैं। जो मेन जो मसाले का फ्लेवर आ रहा है वो कुलचे के ऊपर जो लगा उससे आ रहा है। चने बेसिक है एकदम और एकदम न्यूट्रल टेस्ट है, ना ज्यादा मिर्च है ना मसाले हैं। तो अगर आप मसाले के शौकीन है तो ये ले सकते हैं। ये है हमारा आलू प्याज, तो एक बाइट इसकी भी लेते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक कुलचे हैं, जैसे अमृतसर में मिलते हैं सेम वही टेस्ट है और मजा तो आ गया। एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, ये इमली वाली प्याज, खट्टा मीठा इमली का पानी और उसमें प्याज, बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रही है। तो कुलचा हमने खा लिया और मेरा फ्रेंड भी साथ में आया था राहुल आज कुलचे खाने। तो कैसा कुलचा लगा विशाल? मैंने, आपने भी एक बिजनेस खोला था कुलचे का 2015 में, तो जो आपका कुलचा खाया था मैंने आज शायद सेकेंड टाइम, वैसा ही क्रिस्पी कुलचा, क्रिस्पनेस वैसी मिली मेरे को। सब्जी ऑन एवरेज 5 या 6 दूंगा 10 में से, लेकिन कुलचा 8
आउट ऑफ 10। कुलचा नो डाउट क्रिस्पी था बट जो चने थे वो थोड़े बेसिक से थे, बट एक ओवरऑल कुलचे के साथ जब आप खाते हैं तो इतना पता नहीं चलता और इंजॉय कर सकते हैं आप भी इस तरफ अगर आ रहे हो तो। और इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। शुक्रिया।